की बात करें तो ये गाड़ी 35 से 40 सिटी के अंदर आराम से निकाल देती है। मतलब जो जो चीजें आपके लिए होनी चाहिए इन्फॉर्मेटिव, वो सब चीजें इसमें दी गई हैं। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल वाइन ब्लॉग। तो कैसी है मेरी YouTube की फैमिली? तो आज मेरे पास है सुजुकी सिक्सर SF150, वैसे है तो 155 cc पर 150 को कहा जाता है। तो आज इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँगा। सबसे पहले इंजन से इसकी बातें कर लेते हैं। तो इंजन की अगर पावर की बात करें तो 13.6 PS की इसमें पावर है, जो कि 8000 RPM पर जनरेट होती है। अगर इसके मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो इसमें 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि 6000 RPM पर जनरेट होता है। माइलेज की अगर इसकी बात करी जाए तो ये गाड़ी 35 से 40 सिटी के अंदर आराम से निकाल देती है माइलेज, और अगर हाईवे पे जाते हो तो 45 तक हो सकता है बहुत आराम से। और टैंक कैपेसिटी की अगर इसकी बात करी जाए तो कम से कम 5 आ जाएगी। तो टैंक कैपेसिटी इसके 12 लीटर की है। बाकी आप इसका मीटर वीटर सब चीज़ देख सकते हो, मीटर भी इसका अच्छा खासा। मतलब जो जो चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए इन्फॉर्मेटिव, वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। हर एक चीज़ में है, गियर इंडिकेटर दिया है, RPM, स्पीड, ये आपका फ्यूल, ये आपका नीचे ट्रिप और कितना चलिए, डेट और टाइम, हर एक चीज़ है। सुजुकी की ब्रांडिंग यहाँ पे है। और डुअल डिस्क के साथ ये बाइक आती है, जो कि इसमें हाँ डुअल डिस्क के साथ है, लेकिन सिंगल चैनल ABS है। ये डुअल चैनल ABS नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो सिंगल चैनल ABS केवल फ्रंट पे है। पीछे भी आपको डिस्क दी गई अच्छी खासी। और इसके आप एक बार बैक की टेल लाइट देख लीजिए, टेल लाइट से पीछे कितनी गजब की लगती है कि पूछिए नहीं। टेल लाइट तो इसकी बहुत बढ़िया है। और अब बात करते हैं इसका थोड़ा सामने से, तो सामने का भी आप इसका कुछ देख सकते हैं। तो सामने का इसका लुक एक नंबर भाई, बहुत प्यारा आता है। अगर हम लोग अगर अपने उससे कहें तो भाई एक नंबर लुक, एकदम भौकाली वाला लुक है इस गाड़ी का। तो बाकी तो आप देख सकते हो गाड़ी का पूरा आपने लुक देख लिया। तो अब बात करते हैं हम लोग इसको थोड़ा चलाते हुए में करते हैं, तो फिर चलाते हुए मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा मैं चीज़ें इसके बारे में बता सकता हूँ कि मुझे गाड़ी कैसी लग रही चलाने में। तो चलते हैं क्या तो गाइस आ चुके हैं इसको लेके हम लोग अब रोड पे, और इसको मैं राइड कर रहा हूँ, देखते हैं मुझे इससे कैसा कैसा फील आता है। देखिए चीज़ आपको उसके बारे में शेयर करूँगा। अभी बाइक थर्ड गियर पे है और सही है भाई, काफ़ी स्मूथ है, वाइब्रेशन तो लग नहीं रही है। अभी इसको हल्का फुल्का सा हम ही भगा के भी देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं मुझे इसको वो करना है क्योंकि न्यू गाड़ी है भाई इस समय। और ना अभी तक किसी ने भी अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो ना करो तो इंस्टा पर कर लो फॉलो, हैंडल नीचे देखो हो रहा है। और इस बाइक के जो ओनर हैं उनका भी देखो इंस्टाग्राम देखो नीचे हैंडल हो रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उन भाई को भी जाके कर लेना फॉलो, क्योंकि भाई ने भी हमको सपोर्ट करा पूरा पूरा भाई ने का। तो यार इतना तो आप लोगों के लिए बनता है कि आप लोग भी भाई को जाकर पूरा सपोर्ट करो जिस तरह से आप मुझे कर रहे हो। चलो ट्रैफिक में तो आपको ये भी पता चल जाएगा गाड़ी ट्रैफिक के बीच में कैसी लग रही है, और कोई भी मुझे इसमें दर्द नहीं हो रहा है। एग्रेसिव पोस्चर है लेकिन एग्रेसिव इसका हैंडल नहीं है, आराम से कोई मुझे दर्द नहीं हो रहा हाथों में। पीछे पिलियन राइडर भी मेरे साथ बैठे हुए इनके ओनर, उनका भी मुझे अपने ऊपर ये नहीं लग रहा कि उनका भी एकदम पूरा वेट मेरे ऊपर ही आ रहा है। वो बाकी रही गाड़ी को थोड़ी सी भगाने की बात, तो हल्का सा देख लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं खिलेंगे। सेकंड गियर पहले चीज़ तो ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा है कि कहाँ हल्का सा भी खींचे इसको। ब्रेक्स तो यार इसकी काफ़ी सही है, मतलब ब्रेक्स की एकदम बाइक एकदम इसकी अच्छी लग रही है यार। मतलब जो पंच है, मतलब जो होना चाहिए बाइक में, वो पंच इसमें है। तो गाइस सेकंड गियर पे है बाइक, सही है। ब्रेक तो यार बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, इतनी तेज इसने स्पीड अपनी उतारी। ब्रेक के पीछे रुको, साइड रुको, साइड लगा रहे देखो। गाड़ी नहीं चल रही है उससे, उधर जल्दी उधर जल्दी उधर जल्दी करो, पहले देखो नंबर प्लेट ही घूमी है।
दवा प्लेटें घूमी है ना क्या और कुछ हुआ? उससे खुद ही नहीं गाड़ी चल रही थी, देख रहे थे? तो गाइस अभी आपने ऐसे की देखा कैसे लोग गाड़ी अब आगे चलानी नहीं आती, तीन तीन उसने पहली बार तो बैठाए हैं और ऐसे तब बीच में अचानक से एकदम से ब्रेक मार दे रहा है, पर कोई बात नहीं, गली होता रहता है ऐसे ही है कि हर एक चीज़ पता तो चल रही है गाड़ी की। अरे वाह सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया यार, पीछे के भी वह भी आप इसके सस्पेंशन देखिएगा बिल्कुल, पता पीछे तो पता ही नहीं चल रहा है।